दुनिया के सेक्सीएस्ट शूज जो कि इस टाइम पे बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, ये फॉर्मल शूज जितने मैच्योर नहीं है और स्नीकर्स जितने कूल नहीं है, लेकिन इनसे ज्यादा स्टाइलिश और सेक्सी शूज और कोई नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बूट्स की, जो कि आपका स्टाइल गेम एकदम ऊपर लेके जाएंगे। बूट्स पहनने का रूल्स बता चुका हूँ, कौन से बूट्स लेने हैं वो भी बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बूट्स को स्टाइल करने के लिए क्या सोचना है, कैसे स्टाइल करना है। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू द बेस्ट। आई एम सैम कालरा एंड टुडेस वीडियो इज अबाउट हाउ टू स्टाइल बूट्स। फिर चाहे वो चेल्सी बूट्स हो या फिर बाइकर बूट्स हो या फिर चक्का बूट्स हो या कोई भी बूट्स, तो अगर आपको बूट्स में अंकल नहीं दिखना है और कुछ ज्यादा ही मैच्योर नहीं दिखना है और तब भी सेक्सी दिखना है, तो प्लीज जो रूल्स बताऊंगा वो बहुत ध्यान से सुनना। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी, अभी सब्सक्राइब करो फॉर 3 न्यू वीडियोस एवरी वीक। यार आउटफिट बता के लिंक्स वगैरह ये वाली चीज तो मैं करता ही रहता हूं। इस वीडियो में ना आप ये ध्यान से समझना कि बूट्स को स्टाइल करते हुए आपको क्या सोचना है और उस हिसाब से कैसे अपने बाकी के कपड़े सेलेक्ट करने। तो पहली टाइप की आउटफिट की, आप डे टू डे चिलिंग टाइप की आउटफिट, कैजुअली किसी से मिलने चले गए या फिर आई थिंक ऑफिस वगैरह भी चले गए, मतलब कोई स्टार्टअप टाइप का ऑफिस है, तो बेसिकली ऐसी कैजुअल टाइप की जगह है जहां पे आपको ज्यादा चलना नहीं होता। अब ऐसी जगह पे बेस्ट रहेगा कि आप लेदर के बूट्स ना पहनो, आप पहनो थोड़े स्वेड टाइप के बूट्स, क्योंकि स्वेड थोड़ा सा कैजुअल टाइप का मटेरियल है। तो जैसे मान लो आपने स्वेड ग्रे चेल्सी बूट्स पहन लिए, चेल्सी बूट्स मतलब जिसमें लेसेस नहीं होते जिन बूट्स पे, तो इसको स्मार्ट रखने के लिए हम साथ में चीनोस पहनेंगे, उसके ऊपर एक बेसिक टी शर्ट पहन लो या स्वेटशर्ट पहन लो ठंड के हिसाब से। अब चीनोस यहाँ पे नेवी रखोगे तो वो बेस्ट लगेगा, क्योंकि ग्रे और नेवी का कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा लगता है। और ऐसे ही नीचे शूज का कलर पिक करते हुए ऊपर एक ग्रे कलर की पफर जैकेट पहन लो। अब ये आउटफिट अपने में ही कंप्लीट है, बट अगर आपको इसमें ज्यादा ठंड लग रही है तो आप इसके ऊपर एक इंडिगो कलर की डेनिम जैकेट भी पहन सकते हो, जो कि आपके नेवी के साथ ठीक मैच हो जाएगी। और ये पूरी आउटफिट में ग्रे और ब्लू के शेड्स में ही खेला हुआ है, इसलिए आउटफिट बहुत अच्छी और कैजुअल और क्लासिक लगती है। और ग्रे और नेवी की कॉम्बिनेशन का एक और एडवांटेज ये है कि इसके साथ आप कोई और न्यूट्रल कलर के बूट्स भी पहन सकते हो। तो मान लो ऊपर आपने ग्रे हुडी और साथ में नेवी चीनोस पहनी हुई है, तो साथ में आप पहन लो मे बी टैन कलर के बूट्स या बेज कलर के बूट्स। अब यहाँ पे भी क्योंकि हमने स्लिम वाले चेल्सी बूट्स पहने हैं ना, इसलिए आपकी आउटफिट में बाकी चीजें भी स्लिम फिट वाली होनी चाहिए, जैसे चीनोस स्लिम फिट होनी चाहिए, हुडी भी स्लिम फिट होनी चाहिए। एंड ये एक बहुत अच्छा तरीका है हुडी की कैजुअल टाइप की फील को बैलेंस करने का, क्योंकि आपके बूट्स की फील तो थोड़ी सी मैच्योर है, बट अगर आपको फील थोड़ी सी मैनली और रफ एंड टफ टाइप का मैच्योर चाहिए तो आप बूट्स बाइकर वाले पहन सकते हो। तो जैसे मैंने ये टैन कलर के बाइकर बूट्स पहने हैं, ये थोड़ी सी मैनली फील वाले हैं और थोड़ी सी स्टाइलिश फील वाले हैं, लेकिन मैं पैंट्स तब भी चीनोज ही पहन रहा हूँ या फिर मैं इंडिगो जींस भी पहन सकता हूँ वैसे तो, क्योंकि मुझे मेंटेन करना है थोड़ा सा मैच्योर फैक्टर अपनी बेस आउटफिट में। उसके ऊपर बेसिक व्हाइट टी शर्ट या फिर स्वेटशर्ट आपके यहाँ की ठंड वगैरह के हिसाब से। और बाइकर बूट्स के साथ बेस्ट लगती है फ्लैनल्स थोड़े से डार्क कलर की। अब क्योंकि एक ब्राउन की शेड के मेरे बूट्स हैं, तो मैं अपनी फ्लैनल शर्ट भी थोड़ी सी ब्राउन की शेड से ही लूंगा। और अगर इसमें और ज्यादा ठंड है तो इस शर्ट को बंद कर लो और ऊपर पहन लो ब्राउन की ही शेड की एक जैकेट। तो यार ब्राउन कलर की बेस्ट बात यह है कि आप उसकी शेड्स में खेल सकते हो, अलग अलग शेड के अलग अलग पीसेस पहन सकते हो और वो साथ में अच्छे लगेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट यार बाइकर बूट्स की एक बात ध्यान रखना कि ये दुनिया के सबसे कंफर्टेबल बूट्स नहीं होते चलने में, वैसे पहनने में ठीक है, बट अगर आपको ज्यादा कहीं चलना है, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज जा रहे हो, तो कॉलेज में मैं रेकमेंड करूंगा कि बाइकर बूट्स मत पहनो, क्योंकि बाइकर बूट्स को कंफर्टेबल होने में बहुत टाइम लगता है, आपको उन्हें बहुत चलना होता है, तब जाके वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। कॉलेज के लिए मैं रेकमेंड करूंगा आप स्नीकर्स ही पहनो। और कॉलेज में पहनने के लिए बजट स्नीकर्स कौन से हैं वो वाला वीडियो तब आएगा जब इस वीडियो पे 5000 लाइक्स करवा दोगे। नेक्स्ट टाइप की बूट स्टाइलिंग है पार्टीज में पहनने के लिए। यार देखो अगर आपको पार्टीज में नाचना गाना है ना, तो मेरे हिसाब से चेल्सी बूट्स पहनना ज्यादा प्रेफरेबल है। और थोड़े से यंग हो तो आप चेल्सी बूट्स स्वेड मटेरियल में लो, वो थोड़े से ज्यादा कैजुअल लगते हैं। बट क्योंकि पार्टी आउटफिट है तो ऑल ब्लैक पहनना सबसे ज्यादा सेफ है। तो जैसे मैंने पहना हुआ है एक ब्लैक कलर का मॉक नेक, जो कि थोड़ी सी मैच्योर फैक्टर ऐड करता है, उसके ऊपर डेनिम जैकेट पहनी है जो कि थोड़ी सी कैजुअल है, एंड साथ में नीचे मैंने जींस पहनी है रिप्ड वाली जो कि थोड़ी सी ज्यादा ही कैजुअल है। एंड क्योंकि ओवरऑल वाइब थोड़ी सी कैजुअल पार्टी टाइप है, इसलिए नीचे स्वेड चेल्सी काफी है। लेदर पहनोगे तो वो थोड़ा ज्यादा खतरनाक सा लगेगा। और एक रूल जो यहां पे भी अप्लाई होता है वो ये है कि आपके चेल्सी बूट्स स्लिम हैं, पतले हैं, चंकी नहीं हैं, तो फिर आपकी पूरी आउटफिट में भी स्लिम फिट वाली चीजें होनी चाहिए। लेकिन अब जैसे अगर आप बाइकर बूट्स पहन रहे हो जो लेसेस वाले होते हैं बेसिकली, तो वो मैं ये नहीं कह रहा बहुत चंकी या बल्की होते हैं, बट वो थोड़े से मोटे तो होते हैं, तो आप ऊपर थोड़ी सी मोटी चीजें पहन सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मोटा ग्रे स्वेटर पहना है, उसके ऊपर एक बाइकर जैकेट पहनी है जो कि ऑलरेडी थोड़ी सी बल्की होती है कॉलर वाले एरिया से। और क्योंकि पार्टी है और सेक्सीनेस मेंटेन करनी है, इसलिए मैंने स्किनी जींस पहनी है रिब वाली ब्लैक कलर में। लेकिन ये याद रखना कि बाइकर बूट्स पार्टीज के लिए तब अच्छे नहीं है अगर आप पार्टी में बहुत ज्यादा नाचना चाहते हो। माना कि आपको ज्यादा मैनली दिखाते हैं, लेकिन ये मूवमेंट के लिए उतना अलाउ नहीं करते। वैसे मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आप पार्टीज पे स्नीकर्स पहनते हो या फिर बूट्स पहनते हो। नेक्स्ट टाइप की आउटफिट, आपको थोड़ी सी मैच्योर ओकेजन पे जाना है, जैसे कि कोई लंच या डिनर, तो थोड़ा सा डे टाइम या लंच इवेंट है तो आप वो टैन बाइकर बूट वाली आउटफिट पहन सकते हो जो मैंने आपको बताया था, या फिर थोड़ा नाइट टाइम का है तो थोड़ी सी अच्छी स्टाइलिंग हो सकती है इसको
लेदर चेल्सी बूट्स के साथ पेयर करना। यार एक तो चेल्सी बूट्स पतले मतलब स्लिम वाले ऑलरेडी क्लासी होते हैं, ऊपर से लेदर डाल दोगे तो वो सुपर क्लासी हो जाएगा, तो इस टाइप के ओकेजंस के लिए बेस्ट है। और चेल्सी बूट्स की क्लासीनेस मैच करने के लिए आपको उसके साथ जुड़ी हुई जो पैंट्स होती है वो आपको चिनोज ही पहननी पड़ेंगी, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रे कलर की पहनी हुई है। और क्योंकि हम बहुत बड़े नहीं है एज में, इसलिए आप ऊपर एक हुडी भी पहन सकते हो, बट स्लिम फिट होनी चाहिए और ब्लैक कलर की होनी चाहिए या फिर व्हाइट भी हो सकती है। और साथ में सेक्सी दिखने के लिए एक ब्लैक लेदर जैकेट। इसमें बेस्ट चीज ये है कि आपके स्नीकर्स का लेदर और ऊपर जैकेट का लेदर मैच हो रहा है, और जैकेट्स का बूट्स के साथ मैच होना एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है आपके गेम को। अब बूट्स हर टाइप के जैकेट के साथ अच्छे नहीं दिखते, जैसे ये लिटरमैन बॉम्बर जैकेट है, इसके साथ बूट्स शायद उतने अच्छे नहीं दिखेंगे। बाय द वे इस जैकेट पे जो जी लिखा हुआ है उसका मतलब है गिव अवे। गिव अवे जो हमारे चैनल के हर वीडियो के एंड में होता है एंड जिसके रिजल्ट अनाउंस होते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, जो कि है बी योर बेस्ट आईजी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट टाइप के आउटफिट्स, अगर आप किसी डेट वगैरह पे जा रहे हो तो जो मैंने अभी जो दो आउटफिट बताई है इससे पहले, ब्लैक लेदर चेल्सी बूट्स वाली और टैन लेदर बाइकर बूट्स वाली, वो दोनों तो पहन ही सकते हो। साथ में एक और बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं, बिल्कुल 2000s के शाहरुख खान वाली फील लेके आनी है तो आप पहनो स्वेड मटेरियल में चॉकलेट कलर के चेल्सी बूट्स। अब ब्राउन शेड के शूज पहने हैं तो ब्राउन की ही एक शेड की आप चीनोस पहन लो स्मार्ट दिखने के लिए, क्योंकि फर्स्ट डेट पे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं आप स्मार्ट बन के जाओ, कूल नहीं। तो हमने खाकी चीनोस पहन ली और ऊपर एक व्हाइट कलर की शर्ट पहन ली, और शर्ट के ऊपर एक वी नेक स्वेटर पहन लोगे मरून कलर का तो नेक्स्ट लेवल क्लासी दिखोगे। अब इससे ज्यादा मैच्योर सेक्सी कोई आउटफिट नहीं बना सकते आप चेल्सी बूट्स के साथ। और ज्यादा ठंड लग रही है तो इसके ऊपर आप एक नेवी या फिर डार्क ब्राउन कलर का ब्लेजर भी पहन सकते, या फिर ऐसी ओकेजंस पे एक और बहुत बढ़िया बूट होता है चका बूट्स पहनना। तो चका बूट्स उतने कैजुअल नहीं लगते बट हाँ उतने फॉर्मल भी नहीं लगते, तो मैंने उनको अभी भी स्लिम फिट एक ब्लैक जींस के साथ ही पेयर किया है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा कैजुअल फैक्टर डालना था क्योंकि मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं ये पहन के, तो मैंने एक हुडी पहनी हुई है डार्क ग्रे कलर की और उसके ऊपर एक नेवी ब्लेजर, ताकि अगेन थोड़ा सा मैच्योर फैक्टर ऐड हो जाए। तो सब चीजें एक दूसरे से बैलेंस भी हो रही है और हमने कलर भी सारे डार्क उठाए हैं तो मैच हो रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी सी हम ऑफिस वाली वाइब में ज्यादा आ गए हैं, तो ऑफिस के लिए बूट्स की स्टाइलिंग जब आप सोचो तो देखो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफिस में अगर आपको बूट्स पहनने हैं तो चका बूट्स पहनना, क्योंकि बाइकर बूट्स को ज्यादा ही रफ एंड टफ लगेंगे और चेल्सी बूट्स में लेसेस नहीं होते तो वो ना ऑफिस में उतने प्रोफेशनल नहीं लगते। खैर एनीवे वो आपके ऑफिस पे डिपेंड करता है वैसे तो। तो मान लो आपने चॉकलेट ब्राउन कलर के स्वेड मटेरियल के चका बूट्स पहने हुए हैं, तो ब्राउन के साथ एक कलर जो बहुत अच्छा लगता है वो है ब्लू का कोई शेड, जैसे कि नेवी। तो मैंने चीनोज भी अपनी स्लिम फिट में नेवी पहनी और उसके ऊपर मैंने एक कैजुअल तरीके से एक चाइनीज कॉलर वाली शर्ट पहनी हुई है और उसका कलर थोड़ा सा कूल ग्रे टाइप का है ताकि वो नेवी से अच्छे से मैच हो जाए। याद रखना ये शर्ट भी स्लिम फिट में ही होनी चाहिए। एंड उसके साथ मैंने पहनी है एक ब्राउन के ही एक शेड की मतलब टैन कलर की लेदर जैकेट। अब क्योंकि मेरी शर्ट भी मैंडरिन या फिर चाइनीज कॉलर वाली थी, इसलिए जो जैकेट है वो भी चाइनीज कॉलर जैसी वाली दिखती है, मतलब बेसिकली इसको कैफे रेसर स्टाइल ऑफ लेदर जैकेट कहते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी जैकेट और शूज के ब्राउन को मैच कर दिया है और अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के कलर्स पहने हैं पैंट और शर्ट में। ये काफी मॉडर्न टाइप का कलर मैचिंग टेक्निक है। तो होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि अलग अलग सिचुएशंस में बूट्स को स्टाइल करते हुए क्या सोचना है। लिंक विंक तो मैं आपको हर चीज के पिछली वीडियोस में दे ही चुका हूं, बात लिंक्स और खरीदने और शॉपिंग की नहीं होती, बात होती है स्टाइल की नॉलेज यहां घुसाने की। और अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 7000 लाइक कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा 2000 रुपीस का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर मेरे किसी एक लकी सब्सक्राइबर को, जिसका विनर अनाउंस होगा हमारे इंस्टाग्राम पेज बी योर बेस्ट आईजी पे। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सब्सक्राइबर तो होना ही पड़ेगा, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट्स में मेरे को उस क्वेश्चन का आंसर दो जो मैंने वीडियो के बीच में पूछा था आपसे। तो गिव अवे के लिए ऑल द बेस्ट, लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।